हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल। दिया हुआ है हमारे पास एक नेटवर्क जिसके अंदर से हमें फाइंड आउट करना है टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल। हमारे पास कोई भी सर्किट दिया हुआ होता है, हम उसको थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से एक सर्किट में हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें होता है वोल्टेज सोर्स वी टी एस जो थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है, इन सीरीज विद रजिस्टेंस आर टी एस जिसे हम थेवेनिन रजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर हमें पूछा है कि टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम पहले वी टी एस वोल्टेज थेवेनिन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस जो है वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं वी टी एस, जो होता है थेवेनिन वोल्टेज। इसके लिए हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे, जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो अगर आपने नहीं देखा, वहाँ जाकर आप नोडल एनालिसिस देख सकते हैं कि किस तरह लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे इस नोड पे जो है वोल्टेज वी मान लिया है, यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी वी माइनस वन अपॉन वन प्लस वी अपॉन टू इक्वल टू टू। यहाँ पे जो है हमारी करंट एंटर कर रही है, हम हमेशा डायरेक्शन आउट गोइंग मेजर करते हैं, तो ये माइनस में टू आएगा, ये इक्वल टू में जाकर टू हो जाएगा। यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा थ्री वी माइनस टू इक्वल टू फोर। फिर हो जाएगा वी इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री इक्वल टू टू वोल्ट। तो ये जो वी है ये हमारा क्या होगा, वी टी एस होगा। तो वी टी एस की वैल्यू आ गई हमारे पास टू वोल्ट। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आर टी एस जो होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आर टी एस निकालेंगे हम। आर टी एस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास दिए हुए हैं वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, उसको हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स जो होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एंड करंट सोर्स जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो हमारा वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद जो नेटवर्क बनेगा वो इस तरह से होगा। ये बचेगा हमारे पास ये रेजिस्टेंस। यहाँ से वोल्टेज सोर्स जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, यहाँ पे करंट सोर्स जो है उसको हमने ओपन सर्किट कर दिया, और ये हमारा एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ये हमारा टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था ये वन, ये टू ओम, और ये था वन ओम। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस आएगा हमारा आर टी एच, जिसको हम कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आर टी एच क्या हो जाएगा, टू और वन पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री, और ये सीरीज में वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू फाइव बाई थ्री। तो ये हमारे पास आर टी एस आ जाएगा फाइव बाई थ्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर टी एस। हमारे पास वी टी एस हमने पहले निकाल लिया, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, वी टी एस इसके सीरीज में होगा आर टी एस, तो आर टी एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है फाइव बाई थ्री, और वी टी एस की वैल्यू हमने निकाल ली थी टू वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी लोड रेजिस्टेंस आर एल दिया हुआ होता है, तो इसके अंदर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट की वैल्यू हम सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे, वोल्टेज दिया हुआ है, आर एल और आर टी एस की वैल्यू दी हुई है, तो करंट क्या हो जाएगी यहाँ से, वी टी एस अपॉन आर टी एस प्लस आर एल। तो यहाँ पे हम करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट को हम लिख लेंगे आई एल इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी वी टी एस अपॉन आर टी एच प्लस आर एल करके। तो इक्वेशन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो होगी नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल पे। तो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, ए बैटरी चार्जर ड्राइव्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन ए 1 ओम लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू इट, एंड द सेम बैटरी चार्जर ड्राइव्स ए करंट ऑफ 7 एम्पियर व्हेन एन आइडियल 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू इट फॉर चार्जिंग। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 11 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल की हेल्प से सोल्व करते हैं।
इसके अंदर है कि बैटरी चार्जर जो है वो 5 एम्पियर करंट फ्लो होती है जब उसका लोड रेजिस्टेंस 1 ओम कनेक्टेड होता है, और वही बैटरी चार्जर उसके अगर लोड में कनेक्टेड होता है 2 वोल्ट बैटरी तो वो 7 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर उसी बैटरी चार्जर के लोड रेजिस्टेंस जो है 11 ओम कनेक्टेड हो तो कितना करंट फ्लो होगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है बैटरी चार्जर, तो हम इसको थेवेनिन मॉडल जो हमें पता है जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसके हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो थेवेनिन मॉडल क्या होता है, ये होता है VTH। यहाँ पे हमारे पास होता है RTH, और यहाँ हमने पढ़ा था RL लोड रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड होता है। तो ये क्या कह रहा है कि बैटरी वोल्ट जो है 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, कब, जब लोड रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम होता है। तो लोड रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 1 ओम, और करंट जो फ्लो होगी वो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसके अंदर हम जो भी थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल की इक्वेशन है इसके अंदर लगा देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इक्वेशन लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा VTH इक्वल टू 5 RTH प्लस 5 × 1, तो ये हो जाएगा 5। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड टाइम क्या कह रहा है ये कि उसी बैटरी चार्जर के अगर 2 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करें हम चार्जिंग के लिए तो 7 एम्पियर करंट ड्राइव करता है। तो सेम सर्किट हम बना लेंगे। इस बार क्या करता है ये, इसके लोड में जो है एक बैटरी कनेक्टेड है चार्जिंग के लिए, तो ये हो जाएगा VTH, ये हो जाएगा RTH, और इसका वोल्टेज हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होती है, 7 एम्पियर। इसके हम इक्वेशन लिख लेंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम VTH इक्वल टू 7 RTH प्लस 2, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी VTH निकाला है, इक्वेशन 2 में भी VTH निकाला, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल कर देंगे क्योंकि VTH की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। इसको इक्वल करने से क्या होगा हमारे पास, 5 RTH प्लस 5 इक्वल टू 7 RTH प्लस 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, RTH की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 RTH इक्वल टू 3, और यहाँ से RTH हमारे पास आ जाएगा RTH इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 ओम। तो हमारे पास आ गई RTH की वैल्यू। अब हमारे पास RTH की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम VTH निकाल लेंगे, VTH को सोल्व कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में RTH की वैल्यू रख के। तो RTH को क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा VTH, तो VTH आ जाएगा हमारे पास 12.5 वोल्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 11 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी चार्जर। तो इसी बैटरी चार्जर का हम डायग्राम फिर से बना लेंगे, तो ये हो जाएगा VTH, ये RTH, और इसके लोड में क्या कनेक्ट है, 11 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा RL। तो ये है VTH, ये RTH, और ये 11 ओम RL। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से करंट फाइंड करनी है, करंट कितनी फ्लो होगी। तो करंट की क्या हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, करंट हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ITH आ जाएगी 12.5 अपॉन 1.5 हमारा RTH आया था, और RL दिया हुआ है 11 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे आ जाएगा ITH की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 एम्पियर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी टाइम इस तरह का एक क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। थेवेनिन का जो सिंपल क्वेश्चन है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछा जाए। इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल की हेल्प से सोल्व करने होते हैं, और यही एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार।
तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आने वाली वीडियो होगी नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल पे। थैंक यू।